ਚਲ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੀ तो दोस्तों अभी आप लोगों ने जिस प्रकार की रील्स वीडियो देखी थी, इस समय इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं एंड आप लोग भी ऐसी रील्स बनाकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर सकते हैं एंड अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसे ये रील्स को एडिट करना है, बहुत ईजी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एंड इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप लोग कैपकट के अलावा किस ऐप से ऐसी रील्स को एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो जो है शुरू से एंड तक पूरा देखना एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। बाकी चलते हैं वीडियो एडिटिंग की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं हमारी फोन की होम स्क्रीन पर एंड सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग जो अपनी वीडियो है वो BN में थोड़ी बहुत एडिट कर लेते हैं क्योंकि जो FX वाले आपको इफेक्ट थे वो BN में ही देखने को मिलेंगे। एंड इस वीडियो में आप लोग को ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा जो कैपकट से भी बढ़िया होने वाली है क्योंकि कैपकट में आपको क्या होता है VPN ऑन करना पड़ता है लेकिन इस वाली एप्लीकेशन में आपको VPN ऑन नहीं करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग BN में आ गए एंड यहाँ पर हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाएंगे एंड हम लोग पहले अपनी वो वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें एडिटिंग करनी है। तो ये रही हमारी वीडियो एंड हम इसका जो साउंड है इसको म्यूट कर देंगे एंड एंड में आप लोग को लोगो दिख रहा होगा BN का, इसको भी यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग को 9:16 को सेलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड हमने जो जिस साउंड पे हमें वीडियो एडिटिंग करनी है उस वाली वीडियो से साउंड को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा साउंड एंड इसको हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, देन राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ तक ही हमारा साउंड है। तो हम वीडियो को भी यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं, आगे वाले पार्ट को यहाँ पर डिलीट कर लेंगे। अब आप लोग को FX ऐड करना है एंड आप लोग बहुत कम मेहनत के अंदर FX ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड वीडियो फोटोज पे जाना एंड ये वाली वीडियो मैं आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कब तक इसमें ब्लर है, देख सकते हैं आप लोग कुछ यहाँ पर एक FX आया है तो यहाँ पर एक स्प्लिट लगा देंगे, देन आगे बढ़ाते हैं इसको एंड यहाँ पर भी एक FX है तो यहाँ पर भी एक स्प्लिट लगा देते हैं। देन इसके बाद गाइज हम यहाँ पर जो हमने PIP वाला प्रोजेक्ट लिया था इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे एंड FX वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग FX हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे FX देखने को मिल जाएंगे, कोई सा भी आप लोग चूज कर लेना। यहाँ पर मैं जूम आउट को करता हूँ एंड ये मुझे सही लगता है थोड़ा। देन इसके बाद यहाँ पर इस वाले FX पे जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग कोई दूसरा यहाँ पर चूज कर लेंगे। एंड इसके बाद गाइज आप लोग चाहें तो बीच में जो फ्लैश वाला इफेक्ट है इसको भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग ब्लर वाला भी इफेक्ट जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ब्लर वाला हमारा थोड़ा सही लग रहा है तो मैं ब्लर वाला यहाँ पर यूज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग जाएंगे और फ्लैश वाला लाइट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी वीडियो है वो एडिट हो चुकी है एंड इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड इसके बाद हम लोग जो है ब्लर इफेक्ट ऐड करने वाले हैं। इतना सब कुछ कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोग को जो एप्लीकेशन है उसका नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ, VivaCut। ये एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी, वरना आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। VivaCut एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है एंड अभी हमने जो वीडियो ली थी अपनी उसको यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने BN में एडिट की थी, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड जस्ट एक क्लिक के अंदर यहाँ पर आपका जो ब्लर इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। कैसे करना है वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको यहाँ पर VFX वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड गाइज इसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ब्लर वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोग को चार प्रकार के ब्लर देखने को मिल जाएंगे। आपको मीडियम M2 वाला को यूज करना है तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका लोड हो जाएगा, देन इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है लॉन्ग प्रेस टू ऐड। तो यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके रखना है जहां तक भी आप ब्लर को लगाना चाहते हैं, तो यहाँ तक हम इसको लगाएंगे, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। देन यहाँ पर आपको बैक आ जाना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक ही हमें ब्लर लगाना था एंड इसको जो है हम यहाँ तक कर लेते हैं। एंड इसके बाद गाइस चाहें तो आप इस वाले VFX को जो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, फिर से आप लोग ब्लर वाले ऑप्शन पे जाएं एंड यहाँ पर कोई सा भी एक ब्लर यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं।
ये वाला ब्लर मुझे ठीक लग रहा है, एंड तो पीछे वाला ब्लर को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इस पर आपको क्लिक करना है, देन डिलीट कर देना है। इसके बाद हम इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो उसमें ब्लर इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। देन इसके बाद यहाँ से आप इस वीडियो को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। यहाँ पर आपको 4K अल्ट्रा HD का भी ऑप्शन दे रखा है। देन इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद गाइस मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ कि जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चलता होता है उसकी ये आप लोग यहाँ पर टेम्पलेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे, जैसे कि ये है लेंस ब्लर इफेक्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड इस समय ये साउंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पर आप लोग इस पर यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आप लोग को क्लिप मांगेगा ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1.17 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, एंड ऐसे करके आपको करीब 10 क्लिप्स इसको दे देनी है। एंड ये आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली बनाकर दे देगा। तो यहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आज की वाली वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।